इस समय हम खड़े हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में सियासत का एक केंद्र बन गया था। अभी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बहुत सारे काम होने बाकी हैं। हालांकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है और फर्राटे भर रही गाड़ियां यह बता रही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब लोग चलने लगे हैं। कब से आप लगा रही हैं? भैया भाई जाता दो महीना। आप दो महीने से लगा? हाँ, दो महीना होता। इधर आस पास से ही आप हैं क्या? सेवर गाँव है। ये क्या लगा रही हैं? जरा करीब से दिखाइएगा, जरा करीब से दिखाइए। हाथ में चाची ली है, ये दूब है, इसको देश दूब कहते हैं। हाँ, दूब। और क्या कहते हैं? घास कहते हैं इसको। देखो, घास कही जाता है आपके गांव देहात में, इसको घास भी कहते हैं चाची। इसका एक नाम और बता रही, दूब। इसको क्यों लगा रहे हैं चाची? ये भी जो ने जो ना माटी बहाए ना। अच्छा, ये जो है जब ये लग जाएगा। हाँ, तो माटी बहे, इससे जो है मिट्टी बहेगी नहीं। करीब से दिखाइए, ये कहीं ना कहीं सूखा हुआ पौधा है, लेकिन ये जो है सूखेगा नहीं। इसकी स्थिति अभी भी जिंदा है और इसको जब यहाँ पर लगा देंगी तो ये यहाँ से मिट्टी बहेगी नहीं। आप सब लोग यही एक ही काम कर रहे हैं क्यों चाची? तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी लोग कभी कीमत नहीं समझते उसकी कीमत यहाँ पर है। अक्सर लोग दूब घास का कोई ध्यान नहीं देते ना। लेकिन आज यहाँ इसकी कीमत पता चल रही कि भैया यही कीमत बहुत ही है घास ही पे। कितने हजारों, आप सोचिए, ये जो दूब यानी जो घास है जिसको कह रहे हैं, इसकी गांव में, गांव देहात में शायद लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और हर जगह आपको मिलेगी इसकी। आइए चाची से बात करते, चाची कुछ कह रही, पहले चाची से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। जी, आदमी डेली लगाते हैं दूब। अच्छा। हाँ, दो महीने से लगा रहे हैं। हाँ, ये आप कैसे लगाती हैं इसको? इसमें जड़ लगाती हैं, इसे सीधा लगा देते? ऐसे सीधा लगावत ही, पानी रोज डंपर से टंकर से फीचा जा दून। अच्छा। ये घास जब बड़ी बड़ी हो जाए पानी ना माटी ना कटे। हाँ, एक मार। तो जब इसको आप ऐसे लगा देंगी ये धीरे धीरे पानी पाएगा तो बाहर निकल आएगा। वाह वाह वाह, निकलिया है प्लांट पर, देखिया हुआ घास निकलिया है। ये सब आप लोगों ने लगाया था? हाँ, सब। ये हिंदुस्तान के लोग हैं जो श्रम दे रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं यहाँ पर, और बदले में कुछ मजदूरी मिल जाती है। चाची, मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी 200 मिला था, काम मिला है 200 रुपए मिलती है। हाँ। कई बजे आती हैं? 9 बजे। 9 बजे? और कई बजे तक लगाएंगी? 5 बजे तक। 7 बजे? 5। 5 बजे? 9 बजे सुबह आती है, 5 बजे तक ये लोग यह घास लगाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो करोड़ों की, हजारों करोड़ों की लागत से बना जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसको सुरक्षित रखने के लिए दूब लगाना नितांत आवश्यक है। अगर यह घास नहीं लगाएंगे, यह दूब जिसको देहाती में कहते हैं, कुछ लोग घास समझे, हम घास संबोधित करेंगे, ये जो घास अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ से इसकी मिट्टी जो है कट जाएगी, और मिट्टी कटने के बाद से जो हजारों करोड़ों की लागत से बनी हुई ये सड़क है, ये धीरे धीरे टूट जाएगी। क्यों चाची, यही तो होगा? हाँ, सही। अगर ये दूब नहीं लगेगी मिट्टी कट जाएगी, सड़क टूट जाएगी। और का आरी आरी देखिया वा सब में ला गया है कुल, हर जगह यहाँ से आरी आरी कुल लागत है। अच्छा, हम भी लगा के देखें क्या, कुछ हम भी श्रमदान कर दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर? अच्छा, इसमें ये तो बहुत, अरे तब तो हम झलका पड़ जाते हैं। हाथों में दिखाइए, दिखाइए चाची का हाथ, दिखाइए। झलका पड़ जाता है, 200 रुपया का ये आपको, तो इसके बदले में 200 रुपये मिलता है? 200 रुपया मिलता है, 200 रुपया का वार की मजबूरी आके घरे परेशानी के जरिए से घामे फीती। ये अम्मा जी हैं और हाथ देखिए इनका, 2 महीने से लगा रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके लिए लोग आए दिन अपने अपने दावे करते हैं, कोई कहता है कि हमने बनवाया, कोई कहता है कि फलाने आके फीता काट लिए, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा, जिसका हाथ है, जिसका सबसे बड़ा योगदान है और जिसको सबसे बड़ा श्रेय मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मजदूर हैं, हिंदुस्तान के चाची हैं और ये बहनें हैं और तमाम ये जो अम्मा लोग बैठी हैं, इनका इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो श्रम है,
कहीं ना कहीं उसकी गिनती लोग नहीं करते हैं, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि इनको थोड़ी सी मजदूरी दे दी जाती है और बता दिया जाता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन वाकई में सबसे महत्वपूर्ण काम इनका है, और हम जो है कुछ हम भी अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर श्रमदान करेंगे आज चाची के साथ में। चाची लाइए, हम लगाते हैं। आप कैसे इसको लगा, और इसके बाद इसको मिट्टी डाल देंगे, बस अभी लग जाएगा ये। अच्छा, ये तो बहुत कड़ी मिट्टी है। अच्छा, सुबह कहाँ से आप लोग काम करना शुरू किए? हमारा सब दूर से करते हैं, वहाँ से जहाँ वहाँ सफेद सफेद परा है वहाँ कल लगाए नहीं यार। अच्छा, आप लोग भी बहनें देखिए कितनी कितनी मेहनत से खोद रही है इसको। यहाँ पर शायद थोड़ा अगर मिट्टी नरम होती तो आसानी होती, क्यों मिट्टी? हाँ, अभी यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, हो रही है, हल्का पड़ जाता है, थोड़ा पानी डाल देते तो सही रहता। मिट्टी अगर इसमें पानी पड़ जाए तो और आसानी होगी ना। हाँ, तो कब से कर रहे हो आप? क्यों बहन, कब से कर रहे हो आप? सुबह से कर रहे हैं। हाँ। वाह, आप लोग बड़ी मेहनत, 200 रुपए देते हैं। हाँ। 200 रुपए हजारों करोड़ों की लागत से बना ये प्रोजेक्ट जिस पर ये काम कर रहे हैं, जिसको सफल कर रहे हैं, सरकार की परियोजनाओं को हमारे देश के यही लोग हैं जो सफल बनाते हैं, और 200 रुपए में बेचारे पूरे दिन भर खट रहे हैं। आमा, मोदी सरकार हमारे सबका ये देख लिया मेहनत करे में। ये जो है इधर भी देखिए किस तरीके से यहाँ घास लगाई जा रही है। घास जो है कहीं ना कहीं इस पूरे हजारों करोड़ों की लागत से बने इस रोड को संरक्षित कर, क्यों अम्मा? सुबह से मेहनत कर रही है। हाँ, सुबेरे से कर रहा है। 200 रुपए देते हैं? हाँ, 200 रुपया दिया। टाइम से मिल जाता है? दे दिया। शाम को मिलता है? सुबह? हाँ, संझा शाम को दे देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती अम्मा पैसा मिलने में? ना ही कौन दिक्कत ना होता। तो इधर हम आपको दिखा रहे थे, और इधर भी दिखाइए कि ये यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक जो है बिल्कुल घास लगी हुई है, और घास लगाने वाले यही लोग हैं जो हिंदुस्तान के निर्माता हैं। खेत से लेकर सड़क तक इनका श्रम लगता है, और यहाँ पर इनके श्रम से ही कहीं ना कहीं आज देश सशक्त हो रहा है, और इनके श्रम को हम भूल नहीं सकते। इनके जो इस देश के विकास में जो योगदान है उसको हम कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। केवल इनको दिन भर में देने वाली थोड़ी सी मजदूरी से हम इनकी मेहनत को तौल नहीं सकते। वाकई में इनका जो श्रम है वो भी कहीं भुलाया नहीं जा सकता।